हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र कौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नीड। अब हम नीड और नीड टू और नीडेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और नीड एंड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता या जरूरत। जब भी हम ये बोलें, अब इसको पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे नीड और नीड्स आएगा। अब नीड कब आएगा, जब सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे होगा तो हम क्या लगाएंगे, नीड। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा ही शी नेम तब क्या लगाएंगे, नीड्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर ये है कि जब हमें कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है तो आई नीड अ पेन, ऐसे बोलेंगे। मुझे एक ग्लास पानी की आवश्यकता है तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ ये बोल रहा है कि हमें किसी काम या मतलब किसी चीज की हमें क्या है, जरूरत है या आवश्यकता है। जैसे कि मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है तो आई नीड 100 रुपीज, इस तरीके से। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की मतलब किसी नाउन की आवश्यकता होती तब हम नीड या नीड्स को लगाते हैं। जैसे कि मुझे एक ग्लास पानी की आवश्यकता है तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। उसे एक पेन की आवश्यकता है तो ही नीड्स अ पेन। तो ही सीट नेम के साथ क्या लगेगा, नीड में एस लगेगा। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपको एस और ईएस वाला कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाके आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, अब नीड टू को फिर से हम टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन टू इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नीड के बाद टू लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर जो मीनिंग होगा, यहां पर मतलब होगा कि कोई काम को करने की आवश्यकता है या फिर जरूरत है, तब हम क्या यूज करेंगे, नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी ये बोलें कि जैसे अभी हम बोल रहे थे कि मुझे एक ग्लास पानी की आवश्यकता है तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन मुझे ये बोलना हो कि मुझे एक ग्लास पानी पीने की आवश्यकता है तब वहां पे पीने के लिए क्या लगाएंगे, ड्रिंक यूज करेंगे। तो आई नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे नीड need या नीड्स टू, उसका टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पेन खरीदने की जरूरत है, अब मुझे एक पेन की आवश्यकता है तो आई नीड अ पेन, लेकिन पेन खरीदने की आवश्यकता है तो यू नीड टू बाय अ पेन। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं है तो यू डू नॉट नीड टू मीट हिम। उसे अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है तो ही डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आपको उसकी मदद करने की जरूरत है तो डू यू नीड टू हेल्प हिम। क्या उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है तो डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। देखिए, अभी जो हमने देखा वो टेंस के अकॉर्डिंग देखा, टू इन्फिनिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। अब हम नीड का यूज देखेंगे मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग। देखिए, मॉडल वर्ब में क्या होता है, मॉडल वर्ब का मतलब समझिए कि जब देखिए, अभी तक हम जो नीड का यूज कर रहे थे वो नीड का यूज मेन वर्ब के सेंस में कर रहे थे, मतलब कि मेन वर्ब के सेंस में यूज हो रहा था। वहां पे डू या डज मतलब हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहां पर जो नीड यूज होगा वो खुद हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस ही हम बना सकते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम बना सकते हैं। जैसे कि आपको अपने जूते उतारने की जरूरत नहीं है तो यू नीडेंट टेक ऑफ योर शूज। अब यहाँ पे नीड नॉट, अब नीड यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, मतलब एज अ हेल्पिंग वर्ब या एज अ मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। इसमें अलग से क्या नहीं है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग क्या था कि यू के साथ हम क्या लगा रहे थे, डू नॉट, फिर नीड एज अ मेन वर्ब लग रही थी। आपको उपहारों पर बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है तो यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। क्या हमें इस विषय पर ज्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता है तो नीड वी स्पेंड मच टाइम ऑन दिस टॉपिक। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यू डिड नॉट वरी। उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सी डिडंट बी स्केयर्ड। क्या मुझे उसे पत्र लिखने की आवश्यकता है तो नीड आई राइट अ लेटर टू हिम। क्या अब तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है तो नीड यू गो देयर। अब यहाँ पे नीड को ही एज अ मॉडल वर्ब यूज किया है, मतलब कि नीड का मतलब ही यहाँ पे क्या है अलग से। जब हम क्या करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग डू या डज या डिड जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम पहले लेके आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे नीड को मॉडल वर्ब के सेंस में यूज किया, इसलिए नीड का मतलब भी यहाँ पे क्या है, क्या।
देखिए अभी हमने प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग नीड का यूज देखा, अब हम पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग नीड का यूज देखेंगे। अब पास्ट टेंस में नीड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, नीडेड। अब यहाँ पे नीडेड टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आवश्यकता या जरूरत किसी काम को करने की थी पास्ट में, ठीक है, तब हम नीडेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी तो यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे डिड नॉट लगाएंगे, तो यू डिड नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब डिड लग गया डू की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे अब नीडेड नहीं आएगा, नीड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी तो डिड यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए नेक्स्ट यूज है नीडेंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जब हमें यह बोलना हो कि कोई काम हमें करने की आवश्यकता नहीं थी पास्ट में, मतलब वो काम हमने किया लेकिन उस काम का कोई सेंस नहीं रहा, तब हम नीडेंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मुझे उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने मुझे फोन किया, अर्थात पत्र लिखना क्या गया, बेकार गया। अब आपने किसी को लेटर लिखा, लेटर लिखना क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि उसका कॉल आ गया तो सारी बातचीत उसके अकॉर्डिंग हो गई, तो मतलब क्या हो गया, वहां पे जो काम आपने किया उसका कोई मतलब सेंस नहीं रहा, तो इस उस तब क्या यूज करेंगे, हम नीडेंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आई नीडेंट हैव रिटर्न टू हिम बिकॉज ही कॉल्ड मी शॉर्टली, ठीक है, तुम्हें छाता लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम कार से जा रहे हैं, अर्थात छाता लाना क्या गया, बेकार गया। You needn't have brought your umbrella because we are going by car. I hope कि आपको नीड के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।